ऐसा है तो सुनवाई नहीं कर सकते। ममता सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले जज के इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 24 अप्रैल को एक अहम टिप्पणी में कहा कि जजों को लंबित मामलों पर मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज के आचरण पर सवाल उठाते हुए ये टिप्पणी की। कोलकाता हाईकोर्ट ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक वीडियो इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बेंच के फैसले के बारे में बात की थी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई को जांच के लिए कम से कम 10 आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जस्टिस गंगोपाध्याय के वीडियो इंटरव्यू पर नाराजगी जताई है। पीठ में दूसरे जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा है। पीठ ने कहा, जजों के पास लंबित मामलों पर साक्षात्कार देने का कोई काम नहीं है। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, उन्हें कार्रवाई में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम इस पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसके साथ ही पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्टर जनरल से 28 अप्रैल तक मामले पर रिपोर्ट मांगी है। पीठ ने आगे कहा कि यदि इंटरव्यू और ट्रांसक्रिप्ट सही पाई जाती है तो वह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले को नई पीठ को सौंपने के लिए कह सकती है। पीठ ने कहा, हम जांच को नहीं छुएंगे या किसी एजेंसी को मामले की जांच करने से रोकने के लिए कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई जज टीवी डिबेट में याचिकाकर्ता के बारे में अपनी राय देता है तो वह उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय के प्रमुख को तब एक नई पीठ का गठन करना होगा। पीठ ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि वह जस्टिस गंगोपाध्याय से सत्यापित करें कि क्या उन्होंने बंगाली टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया था और वीडियो में दर्ज अपने बयानों को स्पष्ट करें। पीठ ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि क्या विद्वान जज ने इंटरव्यू दिया है। वह एक टीवी वीडियो है और इसकी संभवतः गलत व्याख्या नहीं की जा सकती है। पिछले साल जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने सीबीआई जांच के अपने आदेशों को सही ठहराते हुए कहा था कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार दिखाई देता है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि टीएमसी के महासचिव को इस आरोप के लिए 3 महीने की सजा हो सकती है। न्यायपालिका एक वर्ग बीजेपी के साथ मिला हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी आलोचना करता है और उन्हें हटा दिया जाता है तो भी उन्होंने जो किया है उस पर कायम रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार ने भारत को नष्ट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।